अपन लोग बात कर रहे हैं एसएसटी के पेपर की, 10th क्लास सीबीएसई एसएसटी का बोर्ड पेपर जो था उसकी बात अपन कर रहे हैं। आज जो आपका पेपर हुआ, मैंने शुरू से आप लोगों को बोला था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, इन चैप्टर का सबसे ज़्यादा बोलबाला पेपर में होने वाला है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था। चाहे आप कितना ही एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रिंट कल्चर के पीछे पागल हो रहे हो या हो रहे थे, मैंने आपको कहा था कि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये ट्रेडिशनल चैप्टर्स हैं, इन्हीं से हिस्ट्री बनी है और इन्हीं के बेस पे हिस्ट्री चलती आ रही है। प्रिंट कल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एग्जिस्टेंस आप लोग 11th-12th में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा फीडबैक मेरे को आप लोगों से मिला, काफ़ी अच्छा पेपर आप लोगों का गया, क्योंकि वो सारी चीज़ें पहली बार पिछले 4-5 साल से मैं बता रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि वही क्वेश्चंस आए जो मैंने सबसे ज़्यादा आप लोगों को नोटिस करवाए थे। चाहे क्वेश्चंस ना हो लेकिन टॉपिक पूरे वहीं के वहीं बने, इसलिए आप लोग कुछ बातें मान लिया करो कि जो ट्रेडिशनल है वो चलती ही आएंगी। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से केस बेस्ड आया 4 नंबर का, लेकिन उसी के बेस में तो क्वेश्चन बनाने थे, तो उसका लोड तो रहा नहीं आपके। आपके सामने क्या चैलेंज था कि भैया प्रिंट कल्चर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे पढ़ें। आपने एंड टाइम पे उन चैप्टर्स पे ज़्यादा मेहनत करी जिनका वेटेज इतना कम हो गया, और आए भी तो और में, और जो और में नहीं आए वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, रॉलेट एक्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बने, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चैलेंजेस बार बार बताया था कि पेपर में आएगा, मतलब आएगा, प्रिंटेड क्वेश्चन है। खैर बाकी पेपर भी आप लोगों के काफ़ी अच्छे गए, ये पेपर आप लोगों का सबसे अच्छा गया। जो बात आप लोगों को कही जाए वो बात रेगुलर मानते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करिए। अब जो आपके 2 पेपर बचे हैं उनमें पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में अच्छे से पेपर दीजिएगा। वापस से आप सब लोगों को ऑल दी बेस्ट। इसी पेपर का मैं आपको फीडबैक देना आया था, रिव्यू देना आया था कि हाँ कि इस पेपर में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें आप लोग को अब करनी है आगे चल के, और क्या चीज़ें आप लोगों को हमारी माननी है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। बाय।